देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। हमीरपुर के जिला राठ तहसील में गाय को लेकर 3 दिनों से अनशन चल रहा है। राठ के स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय के फील्ड में हजारों की संख्या में गाय हैं। इनमें से कुछ गायों को राठ के आसपास क्षेत्रों में भेज दिया है, इसलिए आज राठ तहसील में अनशन को रोकने के लिए सभी अधिकारी एकत्रित हो गए। एक महीने में बोला है कि हम, मैंने 20 दिन का टाइम दिया था, लेकिन उन्होंने मुझसे एक समय दिया, कोई निकट मांगा है तो मैं एक समय, हमने उनको सहयोग। तो क्या आप अपना अनशन स्थगित कर रहे हैं? हाँ, मैंने किसानों से भी अपनी सहमति ली, मैं किसानों के कहने पर ही अनशन तोड़ूंगा। उनका मुझे जो भी सहयोग मिला है, उन्होंने कहा है कि हाँ चलिए आप इस बात से। पुलिस क्षेत्र अधिकारी और SDM, तहसीलदार, एवं थाना प्रभारी राठौर, चिकासी थाना प्रभारी, जरिया थाना प्रभारी एवं BDO और राठ क्षेत्र के आसपास की पूरी पुलिस फोर्स और बाहर से PAC बल भी बुलाया गया, क्योंकि राठ में विवाद होने की संभावना थी। सभी लोगों ने आज अनशन को रुकवा कर श्री शिवचरण गौरव सभी अधिकारियों की बात मानकर अपना अनशन रोक दिया। प्रशासन ने जो गतिविधियां चल रही थी अमना पशु प्रबंधन के लिए, उसमें जन सहभागिता और सरकार कार्यों के बारे में अवगत कराया और सभी का समर्थन मिला है, वो जन सहभागिता से और सरकार की सहभागिता से इन समस्याओं को हल किया जाएगा और जितना जल्दी हो उतना हल कर दिया। कितना समय लगेगा इसमें? जन सहभागिता का कार्य तो प्रारंभ है, इसमें कोई समय की बात ही नहीं है। वित्तीय प्रबंधन जैसे होगा तो बड़ी योजनाएं भी लागू की है। अच्छा, तो वर्तमान में क्या अनशन स्थगित हो रहा है? बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया और जन सहयोग भी मिला है और वो सहमत हैं कि वो सहयोग भी प्रदान करेंगे और सरकार की जो कार्य में देरी हो जाएगा। एक महीने में सर ये काम शुरू हो जाएगा? कुछ ऐसा वाला गोचर वाला एक महीने में एक घूंट पानी मुँह में डाल के तब और अन्य अधिकारियों की बात मानकर अपना अनशन खत्म कर दिया और अन्य जल ग्रहण कर लिया। सभी अधिकारियों ने यह कहा कि ठीक एक महीने बाद गायों की व्यवस्था कर दी जाएगी। सभी अधिकारियों की बात से संतुष्ट होने के बाद ही सभी लोगों ने अपना अनशन खत्म किया। हमीरपुर राठ से समाचार A2Z के लिए योगेश साहू की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार A2Z।